वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग वन मंडल द्वारा पौधारोपण महाअभियान में शहर को हरियाली युक्त बनाने दुर्ग कलेक्टर महापौर ने 5 बिल्डिंग में किया पौधारोपण। दुर्ग निगम के अंतर्गत बुधवार को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन व निगम द्वारा वन होम वन ट्री महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत वार्ड 21 हनुमान नगर में महाअभियान के तहत दुर्ग वन मंडल द्वारा वन होम वन ट्री महाअभियान में विधायक अरुण गोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित वन विभाग के अधिकारियों ने 5 बिल्डिंग स्थल पर पौधारोपण कर इस महाअभियान का हिस्सा बने। इसी कड़ी में चंपा, कदम, नीम, बादाम व गुलमोहर इत्यादि पौधों का रोपण किया गया और लोगों ने इस अभियान से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम महापौर व निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ये मंशा है कि हम सब वन होम वन ट्री कैंपेन में प्रमुखता से शामिल हो। उद्देश्य ये है कि हम सबको जीवन में हरियाली लाना है, वृक्ष लगाकर हमको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। और जैसा कि हम सब देख रहे थे, कोरोना काल के दौरान सबसे प्रमुख बातें जो सामने आई थी वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर, बेतहाशा जंगल काटे गए थे, उसको लेके बहुत ही मतलब विरोध भी रहा और ऑक्सीजन की कमी भी हुई। अब वन होम वन ट्री कैंपेन का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाए और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले। आज हम लोग सुबह से ही प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में गए, उसके बाद हम वार्ड 21 में गए, अभी हम यहाँ सिविल लाइन आए हैं माननीय विधायक जी के साथ। तो ये लगातार उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। राष्ट्रीय जो वन ट्री का अभियान था, इस साल 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे निगम क्षेत्र में हमने सभी वार्डों में इसका अभियान चलाया और जनता से अपील भी की है, महापौर से भी निवेदन किया कि जनता से अपील करें कि हर व्यक्ति अपने घर में पौधा लगाए और जो भी खाली जगह निगम क्षेत्र में जो सार्वजनिक जगह है उसमें हम लोग प्लांटेशन किए हैं। प्लांटेशन के साथ साथ ऐसे जगह चयन करती है जहाँ पर बाउंड्री वालों का, जहाँ बाउंड्री वालों की टी गार्ड की सुविधा देकर प्लांटेशन किए हैं और ये अभियान सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि अभियान से सफल भी रहा। बहरहाल छत्तीसगढ़ शासन की वन होम वन ट्री योजना काफी सफल नजर आ रही है। देखना होगा कि ये रोपे गए पौधे आगे चलकर बड़े दरख्त बनते हैं या सूखी हुई टहनी में बदल जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।